राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत आज कांग्रेस के CWC मीटिंग में शिरकत करने गुजरात के शहर अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क भर में खौफ व हरास का माहौल पैदा हुआ है, ऐसे माहौल के दरमियान कांग्रेस की इस मीटिंग से मुल्क भर में एक अमन और मुसबत का पैगाम जाएगा। उनके मुताबिक क्योंकि यही वो सरजमीन है जहां से दुनिया को अदम तशद्दुद का पैगाम मिला था। उन्होंने आगे कहा कि सियासत इस पर होनी चाहिए कि कौन मुल्क की तरक्की के लिए कितना फिक्रमंद और संजीदा है, ना कि सियासत मजहब और जात पात के नाम पर होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात बन गए हैं मोदी जी के राज के अंदर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भय का, आतंक का माहौल बनेगा, अविश्वास का माहौल बनेगा। और ये धरती वो है जहाँ अहिंसा का मैसेज हुआ है पूरी दुनिया को, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वर्किंग कमेटी का जो संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि राहुल गांधी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, कोई पार्टी से ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है। संघर्ष है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का, देश के लिए कौन क्या करना चाहता है उसके आधार पर राजनीति होनी चाहिए, उसके आधार पर कैंपेन।